बंद करो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल शीतला स्थित घर में आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले को लेकर आज कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि सलमान खुर्शीद की बात लोकतंत्र में किसी को पसंद नहीं है तो अन्य तरीकों से उसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन भाजपा और उनके लोग हिंसात्मक विरोध पर उतर आए हैं। नहीं देखिए, अभी कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया कुछ दिनों पहले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, नेहरू जी हों, अन्य लोगों, इन लोगों ने जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो भीख मांगने के स्वरूप उन्होंने बताया, जो पद्मश्री जिनको अभी पुरस्कृत करा गया है। कांग्रेस ने इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करा, पुलिस और न्यायालय के माध्यम से उन पर कार्रवाई की मांग करी है। ये एक लोकतांत्रिक हिस्सेदारी दिखाती है। इधर भाजपा और जो उनके संगठन है हिंसात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। अगर उनको बात नहीं पसंद थी वो न्यायालय में जाते, वो पुलिस में जाते, कोर्ट में केस फाइल करते और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते। लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास है इसके खिलाफ हम यहाँ पे विरोध करते हैं। दलित महिला वहाँ जो केयर टेकर थी उसके कनपट्टी पे आपने बंदूक रखी, 7 राउंड वहाँ पे फायर हुए, आगजनी हुई, उसकी प्रताड़ना हुई, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सलमान खुर्शीद के घर पे देखिए बहुत निंदनीय घटना है और हमारे जो पहाड़ शांत पहाड़ है जहाँ पर जिस तरीके से जो अराजकता हुई है, जिस तरीके से घर में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है और उसके बाद वहाँ पर 7 राउंड फायर हुए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं और वहाँ पर एक हमारी महिला बहन के साथ उस पर जिसे हमने पढ़ा कि उसमें सर में बंदूक लगाई गई। देखिए पहली बार ये अराजकता देखने को मिल रही है और भाजपा की सरकार में ऐसी अराजकता देखने को मिल रही है और हम लोग आज भाजपा सरकार से ये मांग करते हैं कि जो अराजक तत्व हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो अराजकता करने वाले लोग हैं उनको एक ऐसा संदेश जाए कि जो अब भविष्य में इस तरीके के पहाड़ में ऐसी अराजकता ना हो, इसी के लिए आज हमने पुतला दहन किया। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि फोरेंसिक की एक टीम आज घटना स्थल पर जांच के लिए गई है। फायरिंग किसने की इसकी भी जांच की जा रही है, हालांकि फायरिंग करने वाले व्यक्ति को अभी तक चिन्हित नहीं किया जा सका है। एहतियात के तौर पर सलमान खुर्शीद के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मामले की जाँच की जा रही है। सतखोल स्थित रामगढ़ इलाके में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी के बंगले पे कल तोड़फोड़ और आगजनी की कार्रवाई हुई है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची है, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पे पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा लिया गया है और इसमें केयर टेकर की ओर से तहरीर प्राप्त होने के बाद अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यह अभियोग धारा 436, 504 IPC में, 147 और 148 IPC में पंजीकृत किया गया है। इसमें एक व्यक्ति नामजद है और 20 अन्य हैं जो अज्ञात हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इन लोगों को चिन्हित कर रही है और इस विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। आज फॉरेंसिक की टीम भी वहां पे साक्ष्य जुटाएगी और उसके बाद विवेचना अधिकारी इसमें अपने साक्ष्यों को जुटाते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगा। सर कितने राउंड वहाँ फायरिंग हुई है और जो नामजद है वो कौन है? इसमें फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है, कुछ खोखे इसमें मिले हैं जिनको कब्जे में लिया गया है और ये हवाई फायरिंग थी। इसमें जो व्यक्ति जिसके द्वारा ये फायर किया गया था अभी वो पता नहीं चल पाया है उसका, पुलिस इसमें जितने भी लोग हैं उन सभी का पता करेंगे, कार्य करेंगे। राकेश कपिल नाम के एक व्यक्ति हैं जो जिन्हें स्थानीय जो वहाँ पे वादी थे उनके द्वारा पहचाना गया है। इसमें और साक्ष्य जुटाते हुए पुलिस अपनी जो अग्रिम कार्रवाई है वो पूरा करेगी। सर राजनीतिक दल से किसी जुड़े हुए हैं या हिंदूवादी संगठन किसी संगठन से? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, इसमें कुछ लोग आए थे और ऐसा अभी पुलिस की तफ्तीश में ऐसा कुछ चीज़ पता नहीं चली है कि ये किसी विशेष पार्टी के थे या किसी विशेष विचारधारा के थे। ये विरोध कर रहे थे जैसा कि आजकल सलमान खुर्शीद जी के कार्यक्रमों के किताब के एवज में कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन चल रहा, वही प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे। सर कुछ आइडेंटिफिकेशन कुछ हुआ है, कुछ झंडे की भी बात आ रही है, कुछ झंडे भी वहाँ देखे गए थे? उस जगह पे तो नहीं है और किसी जगह की फोटोग्राफ्स इस ढंग की दिखाई दे रही हैं। पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश करेगी। सिक्योरिटी लगा देगी घर पर? सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जो केयर टेकर हैं उनको आश्वस्त किया गया है कि अगर ऐसी कोई उनको सूचना मिलती है या ऐसा कोई भाई कोई देता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को देंगे। थैंक यू सर। बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी और पत्थरबाजी की गई थी। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में
हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठन से करने के बाद से हिंदुवादी संगठनों के निशाने पर हैं। हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।